उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग तत्काल उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन देने का दावा करता है, लेकिन कानपुर का एक शख्स जब अपने घर में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, और जब वो इस विषय को लेकर शिकायत करता है तो उसके अलग अलग फोरम में दौड़ते दौड़ते चप्पलें घिस जाती हैं। वो शख्स हमारे साथ है, अजय सिंह, जिन्होंने आवेदन किया था अपने घर में कनेक्शन के लिए। हम उन्हीं से जानेंगे क्या विषय है, कहाँ आपका घर है, निवास कहाँ है और क्या पूरा कहानी है, बताइए। सर, मेरा कानपुर नगर में घर है और मैंने बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन मैंने आवेदन किया था मेरे पिताजी के नाम वीरेंद्र सिंह के नाम पर। मेरा नाम अजय सिंह है, ठीक है। तो इसमें जब मैंने आवेदन किया तो ऑनलाइन आवेदन किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ आवेदन आपने कब किया, 6 मार्च 2024। तो इसमें उन्होंने बताया कि आपका जो है बकाया है इसमें। हमने कहा अच्छा, ये बकाया कैसे हो सकता है, हमारे घर में तो 3-3 कनेक्शन ऑलरेडी लगे हुए हैं, और बोले परसर का बकाया है इसलिए आपके यहाँ पर कनेक्शन नहीं लग पाएगा। तो हमने किसके नाम पर, तो बोले कोई नवल सिंह के नाम पे। नवल सिंह को मैं जानता नहीं कौन है यहाँ पे, और कब का बकाया है, तो बोले पहले भी डेट कुछ नहीं है। फिर जब मैंने पूछा भी डेट तो क्लियर करिए, कब का क्या है क्या, मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले फिर बहुत देर उन्होंने बताया कि 1/1/1911 यानी 113 साल पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का। तो मैंने ये कहा कि मेरा सवाल ये था कि अगर अंग्रेज़ों के ज़माने का, जब यहाँ पर बिजली अंग्रेज़ी सरकार ही नहीं थी यहाँ पर अपने देश की, तो फिर ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कैसे मतलब हो सकता है बकाया यहाँ पर। बोले नहीं नहीं वो है, वो आप बाकी जाप करिए। तो कि अब हमारा ये जो है इधर ट्रांसफ़र हुआ इस तरह, या पहले आपका जरूरी बिल 113 साल पुराने बिल के बारे में आपको जानकारी किसने दिया, कौन बताया कि आपका इतना पुराना बिल बाकी। पहले हमें जेई से हुई, फिर जेई के बोले कि इसमें SDO साहब से मिले ऊपर, तो SDO साहब से मिले, उन्होंने भी दी। फिर उसके बाद जो उनके बोले बोलता है जान के, फिर बाकी भी जान के जाते, क्योंकि हमारा ये हुआ है डिवाइड हुआ इधर, ये BSY या नवाबगंज का सब स्टेशन है इधर आया, और इससे पहले ये था जरीब चौकी में, तो आप पूरी डिटेल हैं तो वहाँ से। तो हमने कहा अब यहाँ से हमने आपको आवेदन किया, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे गड़बड़ी है, तो आप इसकी डिटेल हमको लेके पूरी दें। बोले नहीं वो आप जाके वहाँ जरूर चौके जमने लिए गए आप जाए, तो बोले मैं जा बोल देता। फिर हमें मिले, एक दो बार नहीं मिले, फिर उन वाले उधर वाले एक्शन से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला तो उन्होंने बोले, तो उन्होंने हमें यह पर्चा निकाल के दिया 113 साल पुराना 1/1/1911 नवल सिंह 357,819 रुपये का बकाया। अब बोले नवल सिंह को पता नहीं, मैंने कहा इसके बारे में जानकारी नहीं, तो बोले उससे हमें मतलब नहीं। वो बोले हमने ये बकाया जो है, जो वहाँ एक्शन जरी चौकी बोले, बोले हमें यह बकाया है, हमने आपको दे दिया, और ये जाने वो चाहे आपका SDO वहाँ के लगाएं, चाहे तो लगा दे चाहे ना लगाए। हमने कहा पहले मेरे घर में 3 कैसे लगे, बोले उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये बकाया है तो है, वो आपको देना पड़ेगा, और ज़्यादा नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा RC काट देंगे, उन्होंने बात बोले। तो हमने कहा ठीक है भाई। फिर हमने कहा दोबारा है उनको बताया, तो बोले उन्होंने कहा इसमें क्या हो सकता है, बताइए सर इसमें क्या। तो फिर बात चलती रही, लेकिन नहीं, फिर हम और ऊपर गए, इधर वाले एक्शन से मिले, बोले हमारा एक्शन इधर वाले एक्शन, जो नवाबगंज के जो SDO थे हमारे एक्शन इधर वाले, इनसे ही मुलाकात की हमने। तो ये बोले बोले इसमें हमको मिले, इसमें कोई ज़्यादा हमारा वो नहीं हो पाया मुलाकात। इन्होंने भी कहा वो जाने वही, ये जो काम होता वही नीचे रखे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद फिर MD को भी आपको सही जानकारी भी नहीं प्रदान की गई। हाँ, फिर उसके बाद फिर हमने इनसे कहा ये SDO से, और जेई को भी नीचे बोला, तो जेई बोला कि इसमें जेई नीचे होते हैं, उनसे बोला बोले हम SDO साहब से बात करें, इस पर SDO साहब भी देख सकते हैं। फिर हमने एक एप्लीकेशन उनको भी दी, MD साहब को एप्लीकेशन 9 अप्रैल को हमने लिख के भेजी, उनको भी दी, तो उसके बाद वहाँ से भी कोई जवाब हमको मिला नहीं। फिर हम SDO उनसे मिले आके, क्या नाम आपके कहते हैं वो SDO साहब से, तो SDO साहब ने उनसे बोला कि अगर ऐसा हो जाता तो 50,000 रुपये दिए तो मैं आपका कनेक्शन अभी लगा दूंगा। तो हमने सर 50,000 रुपये किस बात के दे दूँ, क्योंकि जब मेरा कनेक्शन जो है ही नहीं, मैं इसके अंदर जानता नहीं, मैं कह रहा मेरा कनेक्शन लगाया जाए, और मेरे घर में ऑलरेडी कनेक्शन लगे हुए 3। तो बोले उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये तो बिल या तो आपको देना पड़ेगा, या तो आपका बिजली का बिल जो आया था वो कितने का आया था, मेरा जो 111 साल आपको जो थमाया गया बिजली का बिल, वो कितने अमाउंट क्या था उसका, बताया 357,819। तो ये 50,000 रुपये में वो 357,000 का बोला, 50,000 बोला, अभी इन्होंने किस हिसाब से 50,000 बोला, इसकी वजह जान के इन्होंने 50,000 रुपये दो तो हम तुरंत लगा देंगे, ये नहीं किस हिसाब से उन्होंने बोला, ये मुझे बोला। तो मैंने कहा भाई मैं इसमें नहीं कर सकता, फिर मैं इसका और भी, आपका जो घर है जहाँ का ये एड्रेस है बिजली के बिल में, वो वही है सेम है घर का एड्रेस, तो सेम है, तो वही चीज़ तो बता रहा कि आपका घर कब बना। मेरा घर में 1/1/1951। अच्छा, 1900, उससे पहले वहाँ कोई घर था, खाली जमीन? नहीं, वो खाली में पूरा मेरे ही बना है। अच्छा, वहाँ घर भी नहीं था 1911 में, मेरे ही बना। ये बात आपने बिजली विभाग के अधिकारियों को बताई? हाँ, वो बोले उससे कोई मतलब नहीं, बोला आपका पर्सन जो दिख रहा है वो वहाँ पे, मतलब मेरी बात सुनी थी। फिर मैंने IGRS पे भी कंप्लेंट डाली थी सर, ये 21 मई को, तो वहाँ से भी इसके विषय में पहले तो कंप्लेंट वो चलते चली गई, फिर देखा हमने देखा चल रही कंप्लेंट, अब नीचे पहुँच जाए काम इस पर होगा, फिर वो कंप्लेंट रुक गई,
तो मैंने सोचा यहाँ पे आके पूछूँ आपके क्या कि ये कौन अभियंता करके लिखा था, मुझे समझ नहीं है कौन अभियंता है। तो मैं एमडी के बगल में ऑफिस था, वहाँ पे जाके मैंने पूछा भी। उसी दिन मैंने एमडी साहब से मुलाकात की थी, एमडी साहब भी उस दिन आ गए थे, तो उनसे मुलाकात की। मेरी एप्लीकेशन तो लगी थी लेकिन उस पर कोई बातचीत मेरी उनसे नहीं हुई, लेकिन जो मेरी उनसे एमडी साहब, एमडी साहब ने उनसे कहा कि भैया इसमें जो बकाया आपका दिख रहा था आपको बकाया देना पड़ेगा। उनका भी जवाब यही रहा कि इसमें 183 रुपये बोले वो सब कुछ नहीं, इसमें आपको बकाया देना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और हमने बाकी के नसल में लगे बोले उससे भी कोई मतलब नहीं, वो लगे होंगे लगे उससे कुछ नहीं कर सकते उसका। फिर उसी दिन हमारा जो मुख्य अभियंता बगल में कोई IGRS की कंप्लेंट भी चल रही थी, तो उसको हमने जाके उनसे आके मिले जाके, तो वहाँ वो तो अभियंता नहीं मिले, उनका कोई कर्मचारी वहाँ मिला, तो उससे बात हुई, तो उसने वहाँ से पन्ना निकाला, तो बोला ये कंप्लेंट, पन्ना निकाल के मुझे बताया कि ये कंप्लेंट यहाँ पे नहीं आई है मेरे पास, ये कंप्लेंट आपकी केस्को की दक्षिणांचल भेज देंगे, हमारा केस्को है वो दक्षिणांचल उधर भेज देंगे। तो मैं वहाँ भी जाके मिला, तो वहाँ बाद वहाँ मैडम चेक के बोली हाँ आपकी कंप्लेंट गड़बड़ आई है, तो इसको फिर रिमाइंड भी जाएगा, तो ऊपर जाके फिर ऊपर से चलेगी तब फिर वहाँ आएगी। तो हमने ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो कंप्लेंट ऊपर चली, लेकिन फिर जब दोबारा नीचे आने होते नीचे से नहीं आए, और वहाँ खाली मुझे दिखने लगा मुख्यमंत्री कार्यालय पे लंबित, और ये दिख रहा कोई उस पर रिपोर्ट नहीं लगी। हाँ कोई हमारी रिपोर्ट, हम उस पर कोई रिपोर्ट वोट कुछ नहीं दिखी। फिर उसके बाद हमने सोचा अब इस पर तो कुछ नहीं, कुछ जानकारी हमको नहीं मिल रही है क्या हो रहा है। तब फिर हमने सोचा कि मंत्री से मिला, ऊर्जा मंत्री को पता चला हमको जानकारी मिली, तो हमने ऊर्जा मंत्री तो हम लखनऊ आए यहाँ पे, तो 17 जून को हमने मंत्री से मिले, मंत्री को हमने बताई बात, मंत्री बोले ये तो बहुत गलत बात है, इतना बोले जल्दी इसको देखो, इसको रुको तुम अभी हम दिखवाते हैं उनका। फिर उसके अंदर हमने रुके, बोले नहीं अच्छा ठीक हम जा सकते हो, बोले देख लो बात को। फिर वहाँ पे रुके, फिर जिससे मनोज जी को उन्होंने कागज थमाया था वो रिप्रेजेंटेटिव होते देखते, तो उनसे मेरी इस पर बात भी, तो मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने पहले नहीं बताया, फिर बोले अच्छा ठीक है या नाम उन्होंने बता दिया अपना, मनोज जी मेरा नाम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक नंबर भी हमको दिया, ये रिपोर्ट नंबर दिया, बोले इस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मैंने उनको सब पूरी डिटेल ही बताई इस तरह का ये, तो बोले ठीक है इस पर कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद मैं फ़ोन करता रहा, तो वो नंबर उनका नंबर तो क्योंकि था नहीं, वो शक्ति भवन का नंबर था जो उन्होंने दिया था बाद में बताया, तो वहाँ पे मैं कॉल करता रहा, तो पूछते बोले अभी आपकी मुलाकात अभी है नहीं, अभी आएंगे तो करा देंगे। तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने 2-3 बार पूछा, तो मैंने कहा जब मेरा बार बार फ़ोन पहुँचता था तो फ़ोन तो वहाँ उठाते थे, फिर बोले मैं इसके जाता था, फिर मैं इसकी जो बात है वो आपको उनका नंबर अपना नंबर नोट करा दिया, तो मैं नंबर तो मैं नंबर ही 2-4 बार नोट कराया, तो फ़ोन उनका आया नहीं। फिर करीबन 29-28 तारीख को फ़ोन आया उनके पास दूसरे नंबर से, बोले मैं मनोज जी बोला हमने, तो उन्होंने बताया कि इस पर जो है करीबन आपका जो है इस पर RC कटी हुई है। हमने किसके नाम पे RC कटी है, तो बोले संतोष सिंह के नाम पे RC कटी हुई है, इनको आप जानते हैं, हमने हाँ जानते हैं, तो हमने कब कटी RC, बोला उन्होंने बताया 20/10/2020 में कटी है। हमने अच्छा हमने कहा RC इनके नाम पे कटे, कितने की RC कटी, तो उन्होंने बताया भी किसी कुछ रेडियो फ़ोन में बोला था कि समझ में नहीं आया। फिर हमारी बात जो है उनका हमने RC कटी हुई है इनके नाम पे, तो फिर इस नाम पे तो मीटर भी चल रहा है, बोले अच्छा मीटर चल रहा है, तो फिर बोले अच्छा ठीक है फिर मैं इसको चेक करके बताऊंगा। और बोले आपको कहीं से इसकी जानकारी नहीं मिली, हमने हमें तो कोई जानकारी नहीं इसका मिली, हमें कोई रिपोर्ट नहीं जानकारी, तो फिर बोले अच्छा ठीक है बोले सोमवार तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। फिर सोमवार को रिपोर्ट जो है हमें कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली। फिर सोमवार को हम यहाँ लखनऊ भी आए थे, हमने कहा मंत्री से भी इस विषय में बात करेंगे एक बार, और मनोज जी से मिल लेंगे हम, मैंने हमारा था मनोज जी से मिलना कि मनोज जी से फ़ोन पर बात हुई तो सही से बात नहीं हो पाई। फिर मनोज जी से देखा तो मनोज जी वहाँ पे हमारे अंडर एंट्री भी बन गई, अंदर भी गया, लेकिन मनोज जी हमको दिखे नहीं, तो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने पूछा नहीं मनोज जी कहाँ, तो बोले वो तो है नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद तो मैंने कहा जब मेरे पास रिपोर्ट भी नहीं थी, फिर मैंने कि वहाँ पर फिर मैं बाहर आ गया, कोई मिला नहीं मंत्री, फिर आपको RC मिली। हाँ फिर मैंने फ़ोन पे ऑन किया, यहाँ किया शक्ति भवन, बोले कुछ कोई वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्होंने कहा आप जाएँ यहाँ से शक्ति भवन जाएँ, वहीं पे जाके आपको इसकी जवाब मिलेगी। तो मैं शक्ति भवन वहाँ पहुँचा भी, तो वहाँ बोले कि अगर आपका पास बनेगा तो आप एंट्री कर पाएंगे, ऐसे नहीं एंट्री कर पाएंगे, तो जिनका नंबर उनको नंबर मिला फोन, तो मैंने फ़ोन मिलाया वही नंबर जो उन्होंने शक्ति भवन के दिया, बात की हमने कहा सर मैं आपसे मिला था ऊपर, तो बोले यहाँ कुछ रिपोर्ट मिला, रिपोर्ट आपकी बना के वहाँ पे मंत्री आवास पे भेज दी गई मंत्री जी को, वहीं से आपको जानकारी मिलेगी इस पर। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये जो बताया कि आपने बकाया का दूसरी रिपोर्ट जो बन के, बोले उन्होंने वहीं भेज दी, वहीं जाके ले जाकर। तो फिर मैं फिर आवास आया, आवास पे भी मैंने बातचीत की, तो बोले यहाँ नहीं आपको 1 घंटे रिपोर्ट भेज दी है इसने। तो फिर मैंने बताया, फिर फ़ोन मिला भैया, मैंने कहा भैया रिपोर्ट तो दीजिए मुझे, रिपोर्ट नहीं मिली। फिर मैंने शक्ति भवन पर फोन मिला, मैंने रिपोर्ट तो मुझे दिए, तब मेरे व्हाट्सअप पर रिपोर्ट है, तब मैंने व्हाट्सअप पर इस रिपोर्ट को देखा भी उसी तारीख को, 1 तारीख को देखा, तो मैंने फिर देखा, मैं देखी लेकिन पूरी क्लियर रिपोर्ट थी। अब मंत्री जी का समय भी खत्म हो गया था, मंत्री से तो मिल पा नहीं रहते, फिर मैं रिपोर्ट देखे, फिर मैं कानपुर में वापस आ गया। फिर मैंने इसको दोबारा इस रिपोर्ट को पढ़ा, फिर मैंने फ़ोन मिलाया, बात की, मैंने ये रिपोर्ट अगर ये है रिपोर्ट आपको बनकर, क्योंकि इसमें मुझे मालूम भी चल गया कि ये बकाया दिखा रहा RC कटी है, डेट भी क्लियर हो गई लिखित में आगे कि ये 10/10/2024 को ये कटी है, और कितनी आपकी
2024 में कटी है कि 2020 में? 20 में, 2020 में। और ये कितने की वार्षिक है? कितने की वार्षिक वो भी आपको है? हाँ, ये आरसी कटी है 96,916 रुपये की, ठीक है। और 96,916 रुपये, पहले 357,000 रुपये बताया गया, फिर SDO साहब ने कहा कि इसमें 50,000 रुपये दे दो। तो ये चल क्या रहा है, मतलब ये हमें ये नीचे भी समझ में नहीं आ रही कि मतलब एक तो वो रेट का कभी 357,819, कभी वो चल रहा है, और कभी ये आपका ये 96,916, बीच में 50,000 रुपये। और दूसरा ये कि ये अब इनके नाम पर, संतोष कुमार जी के नाम पर आरसी काट दी गई है, आरसी, और वो भी कब आरसी कटी? आरसी कटी 20/10/2024 में। और जब आरसी कटी आती है तो उससे पहले लाइन काट दी जाती है बिजली की, है, और बिजली की लाइन काट दी जाएगी, उसके बाद फिर बिजली आपकी लगेगी नहीं। तो ये संतोष सिंह कटने के बाद, ये चाचा हमारे, आपकी इनकी बातचीत हुई आपसे? नहीं, मैंने इस विषय में ना उनके पास कोई जानकारी है, क्योंकि अगर आरसी कटी तो उनके पास ही फोन जाना चाहिए ना, इस विषय में उनसे पूछने। तो उनसे जानकारी है कि इनके यहाँ बिजली का कनेक्शन कब से है? नहीं, इनके यहाँ कनेक्शन तो लगा हुआ है, इनका ऑफिसर कनेक्शन लगा हुआ है, और इनका बिजली का बिल की रसीद भी, मतलब जो मैंने निकाली, जमा होती, हाँ जमा है, और अभी इनकी बिल की जो रसीद है मेरे पास, इसमें देखिए जमा हुआ, ये देखिए इनके नाम पे संतोष कुमार के नाम पे है, और 26 जून 2024 को बिल इनका 1,001 रुपये जमा भी हुआ है, और बिल्कुल बैलेंस इनका जीरो है। तो ये देखिए, और दो कनेक्शन और भी लगे हुए हैं यहाँ घर में, वो भी चल रहे हैं, उन पर बकाया कोई नहीं है किसी प्रकार। आपने कब आवेदन किया था और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? मेरा आवेदन मैंने किया था 6 मार्च 2024 को। अच्छा। तो मेरा कनेक्शन उसके हिसाब से देखिए आज कितना समय हो गया है, और आपके जुलाई चल, 11 जुलाई चल रही है, अभी तक मेरा कनेक्शन लग नहीं पाया है। जो तत्काल बिजली विभाग का जो प्रशासन का कहना होता है कि तत्काल हम कनेक्शन देते हैं, उसको तो मैंने देखा, उसको लेकर बहुत बढ़िया चीज़ हो गई, ऑनलाइन हो गया, लेकिन ऑनलाइन होने के बाद भी चीज़ें उस तरह से कहीं से कोई सुनवाई नहीं है। अब देखिए IGRS पे भी डाला गया, उसका भी कोई नहीं, कोई अधिकारी किसी प्रकार से वो नहीं है, कोई किसी से बात नहीं हो पा रही, किसी से कुछ नहीं हो पा रही, तो ऐसा ऑनलाइन करके फ़ायदा भी क्या है? अगर ऑनलाइन आप देते हैं, ऑनलाइन से क्या मतलब है? ऑनलाइन पे होना चाहिए, अब जैसे आपका किसी और चीज़ों पे होता है, कोई प्राइवेट एयरटेल या किसी और कंपनी पर चीज़ों पर होता है, लेके तो वहाँ फीडबैक लिया जाता है किसी के, इसमें फीडबैक कोई आप IGRS करें, उसमें पड़ी कंप्लेंट चल रही आ गया, अब इसकी जो उसमें कंप्लेंट डाली गई है, उसमें मैंने PM को कंप्लेंट की थी, वहाँ से PMO वाले कंप्लेंट पे, उससे फिर IGRS पे आई कंप्लेंट, ये और उसके बाद कोई इसका कोई जवाब नहीं है, बीच में कंप्लेंट। आप क्या करते हैं? हैं, आप क्या करते हैं? मेरा काम, मैं इस समय पहले मोबाइल काम था मेरा, इस समय नहीं कर रहा, उसमें थोड़ा रुका हुआ, अभी काम कर नहीं पा रहा हूँ, इसमें थोड़ा लॉकडाउन जब कोरोना वो लॉकडाउन हुआ उसके बाद थोड़ा काम मेरा बंद हो गया था, तो इसमें दौड़ भाग में काम में काम करने की सोच रहा था, लेकिन इसलिए थोड़ा इस काम के चक्कर में फंसा हुआ हूँ, तो कोई काम स्टार्टअप ले नहीं सकते हैं, वे कैसे लें, क्योंकि करें कैसे, अभी इसी काम पे जूझ रहे हैं, लाइट वाला मैटर फंसा हुआ है, तो कैसे इसमें क्या कर सकते हैं चीज़ों के लिए कुछ भी। तो सुना आपने, ये कानपुर के अजय सिंह हैं जिनकी पीड़ा यही है कि इन्होंने घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, लेकिन जब इन्होंने आवेदन किया तो उसके बाद इनको 3.5 लाख से ज़्यादा का, और वो भी अंग्रेजों के ज़माने का बिजली का बिल थमा दिया, और उसको लेकर उन्होंने अलग अलग कई फॉर्मों में इसकी शिकायत की, लेकिन अभी भी इनको सुनवाई का इंतजार है। मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।